नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डायट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। अभी जो सीजन चल रही है वो ऐसी ऋतुएं आ रही है कि जिसमें बहुत त्योहार आते हैं और ऐसे त्योहार आते हैं कि जिसमें लोग उपवास करते हैं, जैसे कि श्रावण महीना होता है या तो फिर कोई भी अलग अलग धर्म में अलग अलग जो है वो त्योहार आते हैं। लेकिन सभी त्योहार में कहने का धर्म का तात्पर्य ये है कि आपको उपवास करना है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फराली या फलाहार, मतलब कि जब भी उपवास होता है तो लोग जो है वो क्या ना क्या खाते हैं, क्या ना क्या बनाते हैं और पेट को बिगाड़ते हैं। उपवास का मतलब ये है कि हमें कुछ भी नहीं खाना है और अगर खाना है तो फलाहार करना है। संस्कृत का शब्द जो फलाहार था उसका अपभ्रंश होते होते बोलते बोलते बदल गया और फराली हो गया। फराली मतलब कि लोग उपवास तो करते हैं लेकिन उसमें क्या ना क्या खाते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी का उपवास हो या श्रावण महीने का उपवास हो तो हर एक चार रस्ते पे साबूदाने की लारी मिलती है, मतलब कि साबूदाने की खिचड़ी मिलेगी या फिर साबूदाने की पकौड़ी मिलेगी या फिर उसके पकौड़े मिलेंगे, कुछ ऐसे ऐसी चीजें मिलने लगी है। हर एक फरसाण की शॉप में ढोकला मिलता है, हांडवा मिलता है, इडली मिलती है, ऐसी ऐसी चीज मिलती है। अभी तो पिज्जा भी फराली मिलने लगा है, सैंडविच फराली मिलती है, रोटियां फराली, पिज्जा फराली, सब कुछ फराली। जितनी भी आइटम हम पूरे साल जो खाते हैं पका पका के, वो ही चीजों में ऐसी ऐसी चीज, मुरैया जो है वैसा, फिर उसके अंदर साबूदाना होता है वैसा, फिर उसके अंदर सोजी डाल के या कुछ न कुछ ऐसा कुछ राजगरा का सीरा, ऐसा कुछ न कुछ, या तो फिर सूखी भाजी, मतलब कि आलू की सूखी सब्जी, ऐसा कुछ न कुछ बनाते रहेंगे, कढ़ी भी बनाएंगे और मुरैया भी बनाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि पूरी महीने आप खिचड़ी खाते थे वो ही खा लो, इससे अच्छा था कि आप दाल चावल खाते थे वो ही खा लो। तो हमारे गुजराती में तो ऐसा होता है कि अगर जन्माष्टमी हो या श्रावण महीना हो तो एक टाइम कच्चा खाते हैं, एक टाइम पक्का खाते हैं, लेकिन कच्चे में कोई फल नहीं खाता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी फराली चीजें खाते हैं, या तो फिर आलू की चिप्स खा लेंगे, इतनी सारी वेफर खा लेंगे, और केले की इतनी सारी वेफर खा लेंगे, या तो फिर एलिफेंट फूट मतलब कि सूरण, उसकी भाजी बना के खा लेंगे, ऐसा कुछ न कुछ पकाते रहेंगे, या तो फिर आलू को बॉईल करके खा लेते हैं, कुछ न कुछ खाएंगे। लेकिन गैस तो चालू करेंगे, उसको गरम करेंगे, जो भी चीज है उसके सत्व तत्व नष्ट करेंगे। सुबह का बनाया हुआ शाम को दुकान में मिलता है तो भी लंबी लाइन लगती है और लोग खाने लगते हैं, इतनी मक्खियां भी आती है, इतने मच्छर भी आते हैं, इतने इन्फेक्शन लग जाते हैं, तो भी लोग जो है वो ऐसा खाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि अगर आपने उपवास किया है या तो फिर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में कोई उपवास करता है तो उसको उपवास का मतलब समझाइए कि उपवास मतलब पेट को खाली रखना है, और खाली रखने के बाद भी अगर नहीं रहा जाता तो आप फलों का उपयोग कर लीजिए, जैसे कि आप टमाटर खा लीजिए, या तो फिर आप जो है वो केले खा लीजिए, आप ऑरेंज का जूस पी लीजिए, या तो फिर जो है वो एप्पल खा लीजिए, या चीकू मिलते हैं तो वो खा लीजिए, अगर अनार मिलते हैं तो वो खा लीजिए, कितने सारे भगवान ने फ्रूट बनाए हैं, गन्ने का जूस पी लीजिए, या तो फिर नींबू का पानी पी लीजिए, ऐसे भी उपवास कर सकते हैं। तो फराड़ खाने की जरूरत नहीं है, फराड़ ऐसी चीज है कि जो डबल गैस करती है, डबल डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती है, पेट में इतनी भारी पड़ जाती है कि हजम नहीं होती है, इतना सारा घी डाल के सीरा बनाते हैं, उसमें इतनी सारी तो उसमें चीनी डालते हैं, कैसे डाइजेस्ट होगा और कैसे पेट जो है वो रिलैक्स फील करेगा। इससे तो अच्छा था कि आप हर रोज दो रोटी और सब्जी बनाते थे वो ही चल जाता, लेकिन उपवास के दिन तो चार पांच जात की वैरायटी बना देते हैं
और कई कई लोग में तो घर पे खाना नहीं हो तो बाहर से लेके आते हैं। फराड़ी बफ वड़ा, ऐसा बफ वड़ा होता है कि पेट में जाता है बाहर नहीं निकलता है। फराड़ी पात्रा, ऐसे पात्रा मिलते हैं कि वो पेट में चिपक जाते हैं। हमारे शरीर में ऐसी चीजें डालो जो सीधी भगवान ने बनाई है, बीच में किसी का मन नहीं आएगा। इंसान अगर खाना बनाता है तो उसके विचार उसके अंदर आ जाते हैं। तो परमात्मा के पास रहना हो, परमात्मा का बनाया हुआ खाना है, परमात्मा के विचार हमें लेने हैं। ये जो हमने पेड़ों पे से जो भी चीज ली है तो उसमें से हमें ये सीखने को मिलता है कि देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। हर एक पेड़ जो है वो हमें कुछ न कुछ देता है, मतलब कि हमें फल देता है, हमें सूर्य प्रकाश की मदद से ऑक्सीजन अच्छा करके देता है, हमें पत्तियां देता है, पत्तियों का हम ग्रीन जूस बनाते हैं, हमें छाए देता है, हमें इतना सारा फायदा करता है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में आएगी जिसकी बनाई हुई चीज हम खाएंगे। अगर ईश्वर की बनाई हुई चीज खाएंगे तो हमारे विचार जो है वो शांत हो जाएंगे, दिमाग जो है वो अच्छे विचार करेंगे। उससे उल्टा ये है कि हम एक एक घंटे लाइन में खड़े रह के फराली चीज ले आते हैं, मतलब कि इंसान के हाथ की बनाई हुई ऐसी चीजें जो उपवास में खाई जाती है। तो जब भी उपवास करो तो या तो वाटर फास्ट कर लो, या जूस फास्ट कर लो, या नींबू फास्ट कर लो, या फिर फल खा लो, ऐसा करना है। कई कई लोग तो चार चार ग्लास दूध पी लेते हैं, चार चार ग्लास छाछ पी लेते हैं, ये भी नहीं करना है। एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना होगा तो ही आपका उपवास जो है वो सही होगा, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है वो बछड़े के लिए उसका दूध आता है, हमारा दूध है वो हमारे बच्चों के लिए है। अगर आपके घर की खुद की गिर की गाय हो, खुद का घास हो, तो भी दूध नहीं पीना है। उसका बछड़ा पीता है तो भी भले, ना पीता है तो भी भले, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि हम उसके चार चार आंचल में से एक आंचल का दूध पी ले, तीन आंचल का जो है वो बछड़े के लिए रख दे, दो आंचल का जो है वो बेच के हम उसका घास जो है उसको खिलाते हैं। तो ये सारा हमें मैथमेटिक्स नहीं करना है कि भगवान ने उसको क्यों चार आंचल दिए हैं और हमें क्यों दो आंचल दिए हैं। लेकिन ये जो भी है वो ईश्वर का बनाया हुआ है अमृत प्रसाद, वो हमें डायरेक्ट खाना है। गाय से लिया हुआ, भैंस से लिया हुआ, बकरी से लिया हुआ, अभी अभी तो हमने देखा है कि डोंकी का भी दूध पीने लगे हैं और घेटा उसका भी दूध पीने लगे हैं, भेड़िए का भी दूध पीने लगेंगे। जिस जिसको दूध आता है वो सब इंसान पीने लगेंगे और इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो अगर आप उपवास करते हो तो सिर्फ फलाहार कीजिए। फलाहार मतलब कि उसमें मुरैया नहीं आएगा, उसमें साबूदाना नहीं आएगा, इसमें चिप्स नहीं आएगी, इसमें वेफर नहीं आएगी, इसमें दूध नहीं आएगा, इसमें लस्सी नहीं आएगा। कई कई लोग तो चार चार पेड़े खा जाते हैं, 100 ग्राम 250 ग्राम मावा खा जाते हैं। ऐसा गलत मत कीजिए, पेट को रेस्ट करिए। अवकाश तत्व मतलब कि उपवास, कुछ भी न खाना। लंघनम परम औषधम, अगर कोई बीमारी होगी तो पेट को रेस्ट दोगे तो पेट जो है वो हीलिंग करने का काम करेगा। तो ये उपवास का महत्व है कि पेट को खाली रखो। और अगर आप बोलोगे कि हम पेट खाली रखते हैं तो गुस्सा आ जाता है, या तो फिर हमें चक्कर आने चालू आ जाते हैं, या तो फिर हमें जो है वो भूख इतनी ज्यादा लग जाती है तो हम रह नहीं पाते और कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ऐसा जब होता है तो एनीमा करना है। ये एनीमा जो है वो 1.5 लीटर का पॉट, इसमें 1.5 लीटर पानी और ये सॉफ्ट कैथेटर से एनीमा करना है। इसमें 4 फुट की लंबी पाइप आएगी, इसमें साथ एक नल आएगा और ये है पूरे इंटेस्टाइन में, इसमें 1.5 लीटर का पानी जाएगा और जो है इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा। तो आपने जो पूरे महीने से, 6 महीने से, या पूरे कितने 10-20 सालों से रोटियां खाई है, मैदा खाया है, दूध की प्रोडक्ट खाई है, वो इंटेस्टाइन में चिपक गई है,
वो कॉलोन को क्लीन करना होगा। उसमें कोई मदद नहीं करेगा, ना आपके पिताजी, ना माताजी, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना डॉटर, ना सन, कोई मदद नहीं करेगा। खुद अपने बाथरूम में जाइए और एनीमा कीजिए, और ये एनीमा करोगे तो आपके शरीर में बार बार भूख नहीं लगेगी, गुस्सा नहीं आएगा, वॉमिट नहीं होगी या फिर डायरिया नहीं होगा। अगर स्वस्थ रहना है तो आपके घर में या हमारे घर में एनीमा होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको ये एनीमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर हमारा फोन नंबर है उसमें व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। जब भी उपवास करो तो सिर्फ फल खाने हैं या सिर्फ जूस पीना है, हो सके इतना जूस पी लोगे तो भी पेट को रेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे करके उपवास करने हैं, ऐसे करके फलाहार करना है, फराड़ी नहीं करना है, इंग्लिश में बोलेंगे फराली, ये नहीं करना है, फलाहार करना है, मतलब फलों का आहार, जो कुदरत ने बनाया है वो फल और उसका आहार, वो दोनों शब्दों को मिक्स कर दिया फलाहार। तो फलाहार करना है, अगर आप फलाहार करोगे तो पेट को रेस्ट मिलेगा। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो, मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। यही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिए कि आपने उपवास कौन कौन से किए, आपने उपवास में क्या खाया, लोग उपवास में क्या क्या खाते हैं, वो आइटम का भी नाम बताइए, और आपने उपवास में कौन से फल खाए, आपको कौन सा जूस ज्यादा पसंद है, आपने श्रावण महीना का उपवास किया, आपने सोमवार का उपवास किया, आपने अग्यारस का उपवास किया, आप कौन सा उपवास करते हो, ये भी हमें फीडबैक में बताइए। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।